मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी मॉर्निंग है, मॉर्निंग के अभी 8 बज रहे हैं ना। हाँ, मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 8। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? डुगू को डॉक्टर को दिखाने। डुगू को डॉक्टर को क्यों दिखाना है? वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनके जो इस समय टीथ इतने ज़्यादा आ रहे हैं, आगे भी पीछे के भी, अंदर के जो चौबड़ आई थिंक कहते हैं जिसको, तो वो भी आ रहे हैं इनके। तो उस वजह से इनके बहुत ज़्यादा भी ये पॉटी बहुत ज़्यादा इनके हो रही है, तो वो दिखाना। मतलब बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिव है बच्चा, सब कुछ खेल रहा है, कूद रहा है। आप लोगों के साथ ब्लॉग भी जैसे शेयर कर रही हूँ, सब कुछ ठीक है। बस यही इनको दिखाना है कि थोड़ा सा नहीं पता चले ऐसे ही फिर वेट कम होना या स्टार्ट हो जाएगा, वो कम वीक हो जाएगा। इस वजह से लेकर के जा रहे हैं डॉक्टर को दिखा दे, थोड़ा सा कुछ मेडिसिन भी हो जाएगी, दे देंगे तो जल्दी फर्क पड़ेगा, ताकि इनको टीथ में भी। और ऐसा कुछ नहीं, बस ये क्या करता है, बाइट करने की कोशिश करता है सबको, कि हम कपड़े इसको चाहिए होते हैं मुंह में, वो भी अगर कोई इसको कॉटन कपड़े देते वो नहीं चाहिए इसको। इसको कपड़े कौन से चाहिए, जो हम लोग पहने रहते हैं वो कपड़े मुंह में डालने होते हैं। तो इसको कुछ बस ऐसे, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा चले पहले फटाफट से इनको दिखा देते हैं आज डॉक्टर के, हाँ, ताकि खुद को भी तसल्ली हो जाएगी, डॉक्टर भी बता देंगे कि हाँ क्या है, क्योंकि हम लोग को भी क्या है पहला है एक्सपीरियंस है, तो इतना पता तो है नहीं कि क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कब तक ठीक होगी। हाँ, सबको हाँ नमस्ते कर लीजिए, और मेरा बेटा खुद ही कर लेता है जब जब नमस्ते टीथ। अब मैं कल इनको इससे पहले ब्लॉग में बोली थी टीथ दिखाओ बेटा, तो अपना टीथ भी दिखा रहे हैं टीथ दिखा रहे हैं अंदर से। तो चलिए ठीक है गाइस, अब हम लोग निकलते हैं हॉस्पिटल से होकर आते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। बाय कर दो टुकू डाटा। गाइस फाइनली हम लोगों ने डॉक्टर को दिखा दिया है, और डुगू हमारी क्या कर रहे हैं, देखो डुगू डुगू ही देखो ये देखो, वो अपने मस्त खेल रहे हैं, गाड़ी स्कूटी पे खड़े हुए खेल रहे हैं। तो डॉक्टर को दिखा दिया मैंने, अपने को भी दिखा दिया, डुगू को भी दिखा दिया, दोनों लोग दिखा दिए हैं। घर चल के बात करती हूँ, अभी क्या है काफ़ी अगर लेट हो रहा है तो फिर अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि घर में कभी हम लोग आज खाना ना बनाए, तो हीरो क्या है गए हैं खाना पैक कराने के लिए होटल में। तो अभी तब तक हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं डुगू है, अभी घर वेट कर रही है। तो बाहर आके वैसे ही खुश रहते हैं, जबकि सुबह हमने इसको 7:30 बजे उठा दिया था, 10 बजे उठने वाला बच्चा 7:30 बजे उठा था, बट फिर भी इसको कोई ऐसा नहीं, खेलने पड़ा है, सो भी नहीं रहा आराम से। अब घर जाएंगे तब भी जा करके महाराज खाएंगे पीएंगे सोएंगे तब फिर। तो जल्दी जल्दी जो भी आ रहे हैं हम लोग खाना ले करके घर चलते हैं, फिर आप लोग। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं डॉक्टर को दिखा के, खाना ना जैसे कि आपको दिखाया पैक की थी। डुगू के साथ रहती हूँ तो भाई हेलमेट मेरे परमानेंट लगा रहता है, मैं निकालती नहीं जल्दी, कब निकालती है डॉक्टर के यहाँ जब अंदर जा रही हूँ तब, या फिर घर पहुँच जाती है तब, क्योंकि इनके साथ भैया इसके साथ रहकर के ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है बनाना, वो तो खेल रहा था गाड़ी में तब जा करके मैं थोड़ा सा टेक लेनी थी, अदरवाइज इसको जानते ही हैं इनको चाहिए होता फोन, अभी आ करके अपनी गाड़ी में लगे हैं खेलना। तो मैंने कहा आप लोग बता दो कि हम लोग आ चुके हैं घर, और हम लोग लग रही बहुत तेज भूख, जैसे कि आप लोग बताया था हम लोग खाना पैक करवा के आए हैं। तो बस अब जा रहे हैं हम लोग जल्दी से फटाफट से खाना खाने, क्योंकि इस समय 1 बज गए हैं, हम लोग सुबह के 8 बजे के गए थे और बज गए हैं 1, तो फटाफट से हम लोग भी खाएंगे और डुगू को भी कुछ खिलाते हैं, और फिर खाने के बाद तब आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस जैसे कि आपको बताया था हम लोग आए थे, आए और लंच करे, लंच करने के बाद आ गए अभी आगे लंच करे, हाँ लंच करके हम लोग डिनर करने लगे थे ना। ता सबसे आजकल ता ही खेला जा रहा है इनका। अच्छा नहीं मतलब बेटा अब तो तक देख लो बालकनी में है, यहाँ पर पीछे पड़े थे, बाहर बाहर कहाँ लेके जाऊँ, बाहर घूम के आते हैं फिर भी इनको इनको बाहर घूम के आते हैं, लेकिन इनका पेट अरे लाम ले लाम ले। दादू कहाँ है काटू बता दो सबको, कहाँ है काटू, जाओ जल्दी से काटू को पीछे कर जाओ, जाओ जल्दी से, हाँ जाओ। बाहर से घूम के आएंगे लेकिन इनका पेट नहीं भरता है भैया, बाहर बाहर ही जाना होता है भाई, इनको वही बालकनी में लेकर के आए हैं, और मैं इनके साथ साथ यहीं पर ऐसे करके मुझे बैठना पड़ता है। मैंने कहा बैठी थी तो आप लोगों से ही बात कर लेती हूँ। सो के उठे थे ये, खेल कूद रहे थे, खेल कूदने के बाद थोड़ी देर हुआ हम लोग आए थे दोपहर में, जैसे बताया 1 बजे लंच वगैरह करे, 2 बज गए, फिर 2:30 बजे तक हीरो भी चले गए थे, और फिर उसके बाद डुगू भी सो गए और मैं भी, दोनों लोग आराम से। ये क्या कर रहे बेटा, एक मिनट मुझे अपोजिट साइड चेंज करनी पड़ी, क्योंकि ये इधर गमले हैं और इसके पास यहाँ पर आ रहे हैं, और पीछे सिलेंडर भी रखा है, इस वजह से मैं इस साइड आकर के बैठ गई। तो 2:30 बजे हीरो चले गए थे, फिर उसके बाद हम लोग भी डुगू सो गए, फिर उसके बाद बाहर से आई थी, मुझे भी ऐसे हेड में पेन हो रहा था, मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, रेस्ट की उसके बाद उठी हूँ, 3 बजे मैं लेटी, 4:30 बजे मैं उठ गई, और डुगू हमारे छो ले थे चप्पल भी है ना बेटा, और मम्मा ने इनके लिए खाना बनाया, डुगू तो छो ले थे, डुगू जो उठे 5 बजे मम्मा छाले 4 बजे उठ गए। अरे काटू हर जगह काटू ही रहता है, ये बाल काला काला देख वो भी काटू ही होता है इनका। तो मैं उठी 4:30 बजे, उठे 5 बजे, मैंने कहा तब तक खाना बनाई हूँ, खाना बना करके इनके तब तक डुगू भी उठ गए, हाँ भाभी प्यार मत करिए रुक जाइए, हाँ फिर डुगू उठ गए, इनको खिलाई पिलाई और ये खेल रहे थे
खेल कूद रहे थे, इधर उधर मस्ती कर रहे थे। इस समय टाइम हो गया 6:30 और डुगू बाहर बाहर कर लेने लगे जिद। मैंने कहा चलो ठीक है, बालकनी में लेकर रख के आई, बस अभी इनके साथ बाहर हूँ, ये थोड़ा खेल रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ। मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ, और अभी डॉक्टर ने क्या बोला है वो आप लोगों को बताऊंगी कब, बाद में जब अंदर जाऊंगी, क्योंकि अभी हमारे डुगू बिल्कुल बात नहीं करने देंगे, इनको फोन चाहिए होगा, है ना बेटा? हाँ दे। तो चलिए ठीक है, इसलिए मिलती हूँ आप लोगों से मैं छोटे से लेके। खारा बेटा, ये सारा ऐसे ही खारे फैला फैला करके निकालेंगे, और निकाल के ये फैलाए, एक इधर नीचे गिरा है, एक उधर, ये ऐसे खा रहे हैं। क्या खा क्या रहे हैं डुगू? फ्रेंच फ्राई खा रहे हैं ये। इनके मुंह में लगा हुआ है कितना डुगू, ये अरे ये ले लो, देखे मुंह पे लगा हुआ है, लो सब लोग खा लो भाई, सबको खिला भी रहे, खा लो सब लोग खा लो, डैडा इनके लिए लाए हैं। हाँ डुगू खा रहा है, तो अभी हम लोग खा रहे हैं। तो हीरो आ गए हैं और हम लोग खा रहे हैं अभी फ्रेंच फ्राई, थोड़ा सा भूख छोटी छोटी सी लगी थी तो उसको खा के उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं कहाँ, ऊपर डुगू को घुमाने के लिए, क्योंकि कितना भी ये बच्चा बाहर घूम लेगा, लेकिन जब रात में हीरो आते हैं तो इसकी आदत हो गई है कि ये बिना ऊपर आए मानता नहीं है। जब भी मेरे से भी कहेगा मम्मा बाबा, तो इनको बालकनी में लेकर के मैं फुसला देती हूँ, ऊपर नहीं लेकर के आती हूँ, कभी कभी लेकर के आती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेकर के आती, जब हीरो आते हैं तब लेकर के आते। तो अभी बस हीरो आए हुए हैं, इनके तो हंसी भैया क्लैपिंग हो रही है। डुगू जब हीरो आए तो हम लोग कुछ खाए पिए, और फिर उसका पेट पूजा करने के बाद ये हुआ डुगू का चुनू, डुगू का चालू हो गया बाहर बाहर का आने के लिए। बाहर तो आ गया, आप कितने बाहर जाओगे बेटा, तो बाहर आने के लिए इनका चालू हो गया। तो फिर हम लोग ऊपर आ गए इनको घुमाने के लिए, और फिर आप लोग को ये भी बता दूँ मैं, मैंने कहा चलो आप लोग को बता के, और डॉक्टर की भी क्या अपडेट दिया था डॉक्टर ने वो बता के, और ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चा एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं आप लोग को पहले बताई थी कोई दिक्कत नहीं थी, बस एक लूज मोशन की प्रॉब्लम थी इसकी, जो पॉटी कर रहा था बट लूज मोशन की प्रॉब्लम इसको नहीं थी। तो डॉक्टर बोले कि लूज मोशन नहीं, वो तो है नहीं, और बाकी अगर ये पॉटी कर भी रहा है तो डॉक्टर ने क्या बोला जल्दी डॉक्टर बोले कि कोई, ये कितना खुश ये हो रहा है, डॉक्टर बोले कि कोई रिफ्रेश हो रहा है, कोई बात नहीं ये रिफ्रेश हो रहा है, क्योंकि बच्चा जब उस समय इसको लूज मोशन हुआ था जब हमने स्टार्टिंग अप्रैल में लेके गए थे। हाँ, दे, 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 दे। वो कैमरा मांग रहा है थोड़ा सा साइड होने से, कैमरा ही मांगता रहे, मांगता रहेगा बदमाश। तो कह रहा नहीं नहीं नहीं, तो डॉक्टर बोले कि ये रिफ्रेश हो रहा है, क्योंकि इसको स्टार्टिंग में अप्रैल के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में जब ले गया था इसको लूज मोशन की प्रॉब्लम थी डॉक्टर के, बाकी वो तो ठीक हो गया था जल्दी। तो डॉक्टर के वो कभी कभी होता है रिकवर होने टाइम लगता है, जो अभी अभी मतलब इनके जो भी पेट के है वो पूरी सफाई हो रही है अच्छे से और रिफ्रेश हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, कुछ खाता है करता है, अगर लूज मोशन नहीं है नॉर्मल पॉटी हो रही है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी एकदम फिट है, एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है, डुगू एकदम ठीक है। इनको तो हम लोग थोड़ा सा भी कुछ होता है, एक होता है ना डर जाते हैं लेके चले जाते हैं, बट एकदम ठीक है बच्चा, एकदम कोई दिक्कत नहीं। और बट साथ में मैं अपने आप को भी वहाँ पर गई थी, मैंने कहा हॉस्पिटल में गई हूँ तो मैं जो अपनी गायनी डॉक्टर को जहाँ पर दिखाती थी पहले, मैं ऑलरेडी मतलब वहाँ पर नहीं दिखाया जहाँ डॉक्टर डुगू को दिखाया था, क्योंकि मैं जहाँ पर अपनी गायनी डॉक्टर को दिखाती थी जब प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो मैंने कहा वहाँ पर चलते हैं, तो मैं अपने आप को भी दिखाई, क्योंकि क्योंकि डुगू मेरी सारी एनर्जी ले लेते, मेरी सारी एनर्जी सब कुछ गायब हो चुकी, ख़त्म हो चुकी भाई, डुगू सारी एनर्जी मेरी लेते हैं। तो इस वजह से मुझे क्या होता है कि भाई अब मैं डॉक्टर से यही बोली भाई मुझे कुछ ऐसा दीजिए ताकि मैं भी थोड़ा इस बच्चे की तरह एक्टिव रहूँ, मेरी एनर्जी पूरी लॉस हो जाती है एकदम से, मुझे भाई कुछ एनर्जी की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे प्रोटीन पाउडर वगैरह और मेडिसिन वगैरह कुछ दिया है, तो जिससे कि अब मैं वो प्रोटीन पाउडर पीऊँगी, जिससे डुगू की तरह मैं भी एक्टिव होंगी, ये है ना डुगू डुगू इतने एक्टिव रहते हैं कि पूरी एनर्जी मेरी दिन भर में यही ले लेते हैं, पूरी लॉस हो जाती है, नहीं 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 खुश हो जाता है। तो इसलिए अब मैं भी यही करूँगी भैया कुछ अपने आप को भी, क्योंकि इस बच्चे को देखना होता है, इसको देखने के चक्कर में मैं एकदम से मेरी एनर्जी भी लॉस हो जाती है। बट कोई ना, हीरो कहे तुम्हें भी जरूरी है दिखा लो, दिखाए और डुगू को भी दिखा दिए, हमें दिखा दिए, दोनों लोग एकदम फिट है, फाइन है, दोनों डुगू तो वैसे भी ठीक है, मैं मेरी एक एनर्जी लॉस थी, बाकी तो कोई दिखाना नहीं था, तो बाकी वो दिखा दिया और मिल गया। तो यही अपडेट थी मैं आप लोगों को दे दी। तो चलिए इस ब्लॉग का भी यही पे एंड करती हूँ, पसंद आए तो क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलती हूँ आप लोग से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, चलो टाटा बाय, टाटा का बाय, टाटा बोलो।